सर रखते हैं। बाबा मेरे सिर को बहुत प्यार से सहला रहे हैं। मैं बाबा को अब निहार रही हूँ, बाबा मुझे निहार रहे हैं। बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, बच्ची भले पधारे, मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मैं बाबा को कह रही, बाबा मेरे जीवन में ये विघ्न है, मैं अपने विघ्नों को बाबा के सामने रख रही हूँ। मैं अपने विघ्नों के बारे में बाबा को अवगत करा रही हूँ। बाबा मुझे सुन रहे हैं। आप
के सामने मेरे एक एक विघ्न पत्थर के समान इकट्ठे हो रहे हैं, और देखते ही देखते कोई पत्थर छोटा, कोई पत्थर बड़ा, पत्थरों का वो ढेर लग गया। बाबा मुझे देख दृष्टि दे रहे, भरपूर कर रहे, और बाबा की एक नजर इन पत्थरों पर, और देखते ही देखते सारे पत्थर एक पल में भस्म हो गए। बाबा का वरदानी हाथ में अपने सिर पर अनुभव कर रहे हैं। मैं अपने सिर से परमात्म शक्तियों को, गुणों को पूरे फरिश्ते रूप में फैलते हुए देख रहे हैं। बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। जैसे जैसे बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं, मैं एकदम हल्की, पावरफुल होते जा रही हूं। मेरा मन, बुद्धि और संस्कार श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहा है। ये अनुभव कर रही कि बाबा अपनी शक्तियां मुझे फील कर रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं। बाबा की दृष्टि मेरे मस्तक में पड़ रही है, मेरे बुद्धि दिव्य बुद्धि बन रही है, व्यर्थ मुक्त बन रही है। मेरे मन बुद्धि संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। बाबा की दृष्टि मेरे आंखों में पड़ रही है, मैं दूरांदेशी बन रही है। ओम शांति। तो आज बफर डे है और लास्ट सैटरडे संदेश के बारे में सभी से बात किया था, तो भाई जी से भी बात किया तो बोल रहे कि आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जो अव्यक्त मुरलीज आती है ना हमारी बुक्स में, अव्यक्त वाणी का बुक्स जिसके पास है, वो बुक्स में जो अव्यक्त मुरली के साथ संदेश आते हैं ना, तो वो कभी कभी रीड नहीं होते ना, तो बहुत प्यारे संदेश है। और हम पीछे से जाएंगे तो जो बुक्स में है वही रीड करेंगे। तो इसमें कभी हमको पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो हम पूछेंगे आगे से कि कैसे उसको प्राप्त करें। तो आज से स्टार्ट करेंगे। तो अव्यक्त वाणी का जो बुक 12 और 13 है, 2012 और 13, तो 13 का दो संदेश है। तो इस संदेश को कैसे रीड करते हैं
आपको बताएंगे कि ये संदेश रीड करते हुए हम डबल सेवा करेंगे, रीड भी करेंगे और योग भी। तो सभी अगर फ्री है इस टाइम में, अगर कोई काम नहीं है और रिलैक्स होकर बैठ रहे, तो प्लीज आप रिलैक्स होकर ये संदेश सुने, तो आपका योग भी होगा और संदेश भी अंदर जाएगा पूरी तरह से। तो इस विधि से इस संदेश को रीड किया गया था लास्ट सैटरडे ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ही संदेश लिया था। तो आज 2013 का एक संदेश, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। 2013 के दो संदेश है, तो नेक्स्ट सैटरडे उसका लेंगे 13 का, फिर 12, ऐसे पीछे पीछे जाएंगे। तो इसमें अगर चेंजेस होना है तो बाद में जो वरिष्ठ है इस ग्रुप में, जो दीदी और भाई जी है, वो चेंजेस लाएंगे, लेकिन अभी तो हमें आज ये संदेश रीड करने का परमिशन मिला है। तो सभी, बहुत ही अच्छा प्यारा संदेश है। दादी निर्मल शांता जी ने ना शरीर छोड़ा था 15 मार्च 2013, तो 2:45 इसमें है जानकारी, तो तभी उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उनका पूरा विधियुक्त हुआ था सब कुछ। और नेक्स्ट डे संदेश दादी गुलजार जी लेकर आई थी, तो बहुत ही प्यारा संदेश है और हमको अनुभव होगा कि डायरेक्ट दादी है हमारे सामने और बाबा है, तो सब कुछ फील करते हुए, क्योंकि योग का फर्स्ट स्टेप ही है रियलाइजेशन और सेकंड स्टेप विजुअलाइजेशन, तो उसको विजुअलाइज करते हुए बहुत प्यार से धीरे से रीड करें। ओके, तो अभी सभी के ध्यान में आ गया होगा, तो सैटरडे बफर डे में ये चालू करा गया है। अगर वीक का कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो एक वीक में लिया जाएगा, अगर नहीं है तो संदेश पढ़ा जाएगा, या सैटरडेज को कोई ना कोई हमारे गेस्ट रहते हैं जो कुछ ना कुछ हमको मिलता रहता है। तो आज से हम ये संदेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो संदेश हमारे सामने है, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आज के संदेश का। प्यारे बाप दादा को अति लाडले, अति लाडली थी ना बाबा की बेटी, लौकिक बेटी थी, हम सबकी अति प्रिय अपने सूरत व नैनों से ब्रह्मा बाप की झलक दिखाने वाली, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा जैसे दिखते थे ना, तो सबको फील होता था कि ये दादी इज ऑल्सो लाइक अ ब्रह्मा बाबा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका उस टाइम का, पूर्व क्षेत्रों की मुख्य संचालिका दादी निर्मल शांता जी ने 15 मार्च 2013 शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में 2:45 पर अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। उनके पार्थिव शरीर को अहमदाबाद में शांति वन तथा ज्ञान सरोवर की परिक्रमा दिलाते हुए 2 सभी के दर्शन अर्थ पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में रखा गया। इसको देखिए, अभी देश विदेश के हजारों भाई बहन दादी जी को अपने स्नेह सुमन अर्पित करने आते रहे, पूरी रात अखंड योग तपस्या भी चलती रही। देखो ऐसे जब भी दिव्य आत्माएं शरीर छोड़ती है ना, तो योग भी बहुत चलता है। 16 मार्च को सवेरे 10 उनके पार्थिव शरीर को फूल, है ना, फूल से सजाया गया ना, फूल मालाओं से श्रृंगार कर मधुबन के चारों धाम की यात्रा तथा आबू की परिक्रमा कराते हुए, चारों धाम की परिक्रमा करते हुए क्या किया, आबू की परिक्रमा की, और 11:30 अंतिम संस्कार किया गया। तो हम भी देखो वहां पर है अंतिम संस्कार उपस्थित। उनके रथ को बहुत सुंदर फूल मालाओं से सजाया गया था, आबू के नागरिक भी बीच बीच में फूल मालाओं से अपनी स्नेह श्रद्धांजलि देते रहे, वहां के नागरिक ऑल्सो। इस अवसर पर ईस्टर्न जोन की मुख्य टीचर्स एवं बहने बहन भाई भी थे।
सभी जोन इंचार्ज बहनें, तीनों दादियां, तीनों बड़े भाई तथा देश विदेश के करीब 2,500 भाई बहनें इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुई। अंतिम संस्कार के पश्चात दोपहर 1:30 बजे ओम शांति भवन में दादी गुलजार जी ने विशेष वर्तन में बाप दादा को भोग लगाया। वर्तन का दिव्य संदेश इस प्रकार है। तो अभी संदेश स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। ओम शांति, अभी बहुत धीरे से पढ़ा जाएगा और सभी योगयुक्त स्थिति में बैठे और इसको अनुभव करें। जब अनुभव करेंगे तो आपका योग हो जाएगा, ओके। चलो, दादी निर्मल शांता जी के प्रति भोग तथा वतन का संदेश गुलजार दादी द्वारा। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो हमारे सामने बाबा आ गए। चलो अभी वतन में जाते ही हमारे सामने बाबा आ गए। ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे बाबा के नैनों में एकदम प्यार का सागर है। अनुभव करेंगे अभी बाबा के नैनों से प्यार का सागर हमारे ऊपर बरस रहा है। कुछ समय बाद मुस्कुराते हुए बाबा, देखो बाबा मुस्कुरा रहे हैं ना। कुछ समय बाद मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, बच्ची तुमको एक दृश्य दिखाते हैं। अभी हम दृश्य देखेंगे। तो बाबा अपने साकार वतन के कमरे में लेकर गए। वहां जाकर मैंने देखा कि दादी निर्मल शांता बाबा की गद्दी पर आराम से फरिश्ते रूप में बैठी है। जो बाबा का कमरा है ना साकार वतन में, यानी यहाँ पर, वही बाबा ने ऊपर इमर्ज किया है। बाबा का कमरा वतन में इमर्ज करो और देखो दादी निर्मल शांता उस गद्दी पर बैठी है। तो बहुत सुंदर लग रही थी। मैं देखकर बड़ी खुश हो रही थी। दादी को देखकर हम खुश हो रहे। तो बाबा ने कहा, बच्ची अपनी तबीयत से बहुत थक गई थी और सभी के प्यार ने भी इसको थका दिया था, क्योंकि सब इसको बड़े प्यार से देखते थे। इसको देखने देखते सबको ब्रह्मा बाबा की याद बहुत आती। देखो बाबा बता रहे ना, निर्मल शांता दादी नीचे बहुत थकी हुई थी और सभी के प्यार में, क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के चेहरे जैसे दिखते थे, सभी को बहुत प्यार से देख रहे। ब्रह्मा बाबा की शक्ल के नैन चैन इसके चेहरे में दिखाई देते थे। मैं इसको अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची बड़ी थक गई थी इसलिए मैंने फरिश्ता बना के देखो इनको बिठा दिया है। देखो अगर हम भी थक गए तो हम बाबा के कमरे में जाकर ऐसे बैठ सकते। तो बाबा ने उनको फरिश्ता बना के बिठा दिया है। तो फरिश्ते रूप से वह हमसे मिली और उसकी आंखों में जैसे इस देवी परिवार का बहुत बहुत प्यार अनुभव हो रहा था। तो देखो दादी के आंखों में पूरे हमारे देवी परिवार का प्यार
रेडिएट हो रहा है, देखे अनुभव करे। फिर बाबा मेरे साथ ही थे, तो जैसे ही बाबा को देखा तो बाबा की गोदी में समा गई। तो देखो निर्मल शांता दादी, बाबा हमारे बाजू में खड़े हैं और बाबा फिर बैठ गए और बाबा की गोदी में उनकी बेटी समा गई। बाबा ने कहा, इसको थकावट बहुत है ना, इसलिए ऐसे समा गई है। तो हमको भी ऐसे थकावट हो रही होगी तो हम भी बाबा की गोदी में प्यार से समा जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा एकदम चिपक जाता है, चलो फिर किसी को थकावट है तो बाबा की गोदी में बैठेंगे, चिपक जाएंगे। ऐसे वह बाबा के साथ ऐसे चिपक गई, जैसे बाबा और वह एक हो गए। थोड़े टाइम के बाद बाबा ने मुझे देखा और कहा, बच्ची आज आप किसकी याद लाई हो, है ना। बाबा भी मुझे पूछ रहे, अनुभव करेंगे हम, बाबा हमें समाचार पूछ रहे ना, किसकी याद लाई हो। मैंने कहा, बाबा सभी की याद लाई हूँ। तो हम सभी की याद हम बाबा के पास सुना रहे। ईस्टर्न जोन के भी बहुत भाई बहनों बहने आए हैं और जिसकी सेवा का टर्न है वो भी आए हैं। साकार वतन में तो बहुत बड़ा मेला लगा है। तो बाबा ने कहा, बाबा भी हर बच्चे की याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। ये सब कुछ अनुभव करेंगे, जिसका टर्न आया है ना वो सब आए हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और हम जो भी याद प्यार दे रहे, सभी की याद प्यार बाबा को पहुंच रही है। हर एक बच्चा अभी वर्तमान समय एक ही श्रेष्ठ संकल्प में है। मैंने कहा, बाबा वो कौन सा संकल्प। बाबा ने कहा, मेजॉरिटी हर एक बच्चे को यह संकल्प है कि बाबा ने इतना जो हम लोगों को प्यार दिया है, पालना दी है, इतने खजाने दिए है, उसका रिटर्न अब बाबा को दिखाना ही है। तो बाबा ने सभा को इमर्ज किया। यहाँ तो थोड़े बैठे हैं, देखो इस ग्रुप में, इस ग्रुप में थोड़े बैठे हैं ना, तो वहां तो बहुत बड़ी सभा थी। तो बाबा ने सभी को इमर्ज किया, अभी अनुभव करेंगे हम सभी, पूरा ग्रुप है ना बाबा के सामने इमर्ज हुआ है। यहाँ तो थोड़े बैठे हैं, लेकिन वहां बहुत बड़ी सभा थी। तो सभा को इमर्ज करते हुए कहा कि मेजोरिटी के मन में अब यही संकल्प है कि मुझे ब्रह्मा बाबा के समान बनकर ही दिखाना है। देखो सभी के मन में क्या संकल्प है, बाबा ने रीड किया आज का, अनुभव करेंगी कि आज हमने क्या संकल्प किया था, कि हम ब्रह्मा बाबा के समान बनाकर ही दिखा रहे। तो बाबा सभा को देखकर बहुत खुश हो रहा था। देखो बाबा खुश हो रहे, बाबा का चेहरा देखो अभी सभी, ब्रह्मा बाबा बहुत खुश हो रहे और सबके दिल का संकल्प बाबा तक पहुंच रहा था। तो देखो सबके, हमारे मन में अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, अभी इस समय भी कोई कुछ भी संकल्प कर रहा है, बाबा को पहुंच रहा है, अनुभव करे। बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते बच्चों के संकल्प को कैच कर रहा था और बहुत मुस्कुरा रहा था। तो चलो अभी बाबा से दृष्टि लेते हैं। देखे ब्रह्मा बाबा सामने, बाबा के नैनों से प्यार के सागर से प्यार हमारे नैनों तक, हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर पर बरस रहा है और बाबा हमारे पूरे संकल्प कैच कर रहे हैं, हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है।
और बहुत मुस्कुरा रहा था। फिर बाबा ने जो इस जोन की हेड्स है उनको इमर्ज किया और बहुत बहुत मीठी दृष्टि दी। तो देखो अभी जो भी इस ग्रुप के हेड्स है उनको भी बाबा ने दृष्टि दिया। फिर यह जो सेवाधारी है, उस टाइम रुक्मिणी बहन थे ना उनके साथ, उनको आगे किया और उनको यानी रुक्मिणी बहन को एकदम जैसे गोदी में समा दिया। यह भी ऐसे हो गई जैसे एकदम छोटा बच्चा चिपक जाता है ना। तो देखो हमें भी ना वतन में जाने के बाद ऐसे ही सोचना है कि हम छोटा बच्चा और बाबा को चिपक जाना है। तो ऐसे बाबा की गोदी में समा गई। बाबा ने कहा, बच्ची बच्ची ने बहुत अच्छी दिल से सेवा की है। तो बाबा ने ऐसे हमको बोल रहे, ऐसे अनुभव करेंगे कि बहुत दिल से सेवा करे और बच्ची के मन में जा सदा यही है कि बाबा को कुछ करके दिखाना है। इनके संकल्प बहुत शुद्ध है, फालतू नहीं है, इसलिए बाबा ने इनको इसको क्या बना दिया, संदेशी का पाड़ भी दे दिया। उस टाइम रुक्मिणी बहन को संदेशी का पाड़ दिया। और दूसरी जो जोन की बहन थी उनको बहुत अच्छी दृष्टि देते बाबा ने कहा, अभी जोन को कुछ विचित्र पाठ देखना है। तो देखो बाबा की दृष्टि लो अभी भी, और बाबा की दृष्टि लेते हुए अनुभव करेंगे कि बाबा कुछ विचित्र पाठ के बारे में बता रहे। बाबा एक एक को ऐसे हाथ में लेते मिलन मना रहे थे, चलो बाबा से मिलन मनाएंगे। बाबा के हाथों में हाथ, बाबा का पूरा फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता हाथ लाइट माइट का, और पूरा करंट हमारे फरिश्ता ड्रेस में आ रहा है पूरा हाथों द्वारा, और बाबा से मिलन मना रहे हम। बाबा ने कहा, अभी जोन को कमाल करके कोई नवीनता करके दिखाना है, तो हम ना अभी कुछ नवीन करके दिखाएंगे। तो सभी बहुत प्यार की गोदी में जैसे समाए हुए थे, चलो अभी सभी बाबा की गोदी में जाएंगे, बाबा की गोदी में समा जाओ। फिर बाबा ने पूरी सभा को इमर्ज करके, देखो कितना मजा आ रहा है ना बाबा की गोदी में, तो बाबा ने सभी को भी इमर्ज किया और लाइन में एक एक को बहुत पावरफुल दृष्टि दी। अभी फिर से दृष्टि लेंगे, बाबा की दृष्टि कम नहीं करनी, सभी दृष्टि लेंगे, पूरा ग्रुप दृष्टि लेंगे। जिसको बाबा दृष्टि देता था वो जैसे प्यार में और शक्ति रूप में खो जाता। अभी देखो दृष्टि में बाबा का प्यार और शक्ति आ रहा है, अनुभव करेंगे बाबा के नैनों से प्यार और शक्ति का किरने आ रहा है हमारे दृष्टि में, हमारे फरिश्ताई स्वरूप में पूरा प्यार और शक्ति खो जाएंगे बाबा के प्यार में। ऐसे बाबा एक एक के पास जाकर आज दृष्टि दे रहा था। देखो अपने पास आ रहे बाबा, सभी को दृष्टि दे रहे। यह दृश्य भी देखने लायक था, दिखाई दे रहा है ना सभी को, सभी के पास आ रहे लाइन्स। मैंने देखा आज बाबा को बच्चों प्रति बहुत बहुत प्यार आ रहा था, कितना प्यार आ रहा है बाबा को। फिर बाबा ने कहा, हर एक बच्चा बाबा की उम्मीदों का तारा है। देखो बाबा हमको कह रहे, आप मेरे उम्मीदों के तारा है। ईस्टर्न जोन के टीचर्स का तथा पांडव को दादी ने सभी के बीच खड़ा किया और कहा कि पांडव भी कम नहीं तो शक्तियां भी कम नहीं, अभी दोनों को कमाल करके दिखानी है,
अभी जोन से ऐसा समाचार आएगा। फिर निर्मल शांता दादी सामने आई, देखो अभी दादी भी सामने आई, फिर दिखाई दे रहा है निर्मल शांता दादी आ रही। मेरे को गद्दी पर बिठाया और कहा, गुलजार तुम आई हो? मैंने कहा, देखो आपके लिए कितने भाई बहन आए हैं, हम सब आए। देखो हमारे सामने गुल और गुलजार दादी के सामने निर्मल शांता दादी, आपके जोन के सब मुख्य मुख्य आ गए हैं। तो बाबा ने दादी को सभी जोन के भाई बहनों के आगे खड़ा किया। देखो बाबा ने हमारे सामने दादी को खड़ा किया, दादी भी बहुत मुस्कुराए, मुस्कुरा के एक एक को दृष्टि दे रही थी। अभी निर्मल शांता दादी जी का दृष्टि लेंगे सभी। बाबा ने निर्मल शांता को कहा कि अभी देखना ये जोन कमाल करेगा, फिर तुमको इमर्ज करके सुनाएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। देखो हम सब अभी प्रेजेंट है ना, तो हमसे कुछ तो कमाल होने वाला है दृष्टि से। तो बाबा इसका भी समाचार दादी को बताने वाले, तो वह भी खुश हो रही थी। फिर बाबा ने ना निर्मल शांता दादी जी के बारे में लास्ट पैराग्राफ में बताया है। बाबा ने कहा कि जैसे इसने शुरू से लेकर विशेष सेवा की है, बाबा ने बच्ची के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, लेकिन बच्ची ने एक्स्ट्रा करके दिखाया। देखो ब्रह्मा बाबा का लौकिक बेटी होते हुए भी बाबा ने उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, लेकिन वो बेटी ने एक्स्ट्रा करके दिखाया। इस बच्ची ने जो त्याग किया, शादी की हुई थी, बच्ची भी थी, देखो उनकी शादी भी हुई थी, बच्ची भी थी, लेकिन जो त्याग किया वह त्याग बहुत अच्छा किया। त्याग माना त्याग। फिर जरा भी वृत्ति नहीं आई, बच्ची पर बाबा खुश है, यानी वो वृत्ति में आई नहीं, पीछे देखा ही नहीं। बच्ची ने कोई भी ऐसी खिटखिट वाली बात जीवन में नहीं लाई, बहुत लाड़ प्यार से चली और लाड़ प्यार से अपनी सेवा करके बाबा के पास आ गई। अभी इसका क्या पार्ट चलता है वह पीछे सुनाऊंगा, लेकिन बच्ची की रिजल्ट अच्छी है, बाबा खुश है, बच्ची भी खुश है। ऐसे करके बाबा ने उनको फिर से अपनी गोदी में समा दिया और मेरे को छुट्टी दी। देखो बाबा भी खुश है, निर्मल शांता दादी जी भी खुश है, और फिर वो फिर से बाबा ने उनको गोदी में लिया और हमको बाबा ने छुट्टी दिया, मैं साकार वतन में आ गई। तो आ जाए सभी अभी साकार वतन में, अपने साकार शरीर में। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे अभी। ओम शांति। तो आज से संदेश स्टार्ट किया है, ये संदेश कम योग है, इसको इस रीति से ही पढ़ेंगे, अगर किसी और को भी पढ़ना है। ओके, तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। वैसे तो दादी प्रकाशमणि जी का मंथ है, लेकिन संदेश स्टार्ट करें तो आज यही संदेश था फर्स्ट। तो सभी अपना मनन चिंतन स्टार्ट करें।
दीदी तारा सिस्टर बोली। जी दीदी, बहुत अच्छा लगा बाबा के साथ साथ जैसे आप बोलो बोलते थे हम फॉलो करते गए, एकदम सभी कुछ भूल करके बाबा के साथ ही रहे। बहुत ही सुंदर था और मुझे वो बहुत दिल से धक से टच हुआ ना, जब आप बोले कि निर्मल शांता दादी सब कुछ त्याग कर दिया, शादी हुआ था बच्ची भी थी लेकिन वो जब सब कुछ त्याग किया, बाबा ने कुछ नहीं किया, वो बहुत कुछ किया आकर के नो त्याग किया, और ये मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे दिल को टच हुआ कि देखो बाबा का बन गई। बहुत सुंदर था लास्ट लास्ट पैराग्राफ में जब आप पढ़े थे ओम शांति। ओके दादी जी, देखो हमारे सामने आ गए हैं उनका फोटो, जी तो बहुत अच्छा है ना। ऐसे संदेश से फिर हमको वो फील भी होता है। कोई 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 और भी अनम्यूट किया था, जियामो 220 कुछ। हाँ दीदी, मैंने किया था लेकिन मुझे हाँ भी बहुत अच्छा लगा निर्मल शांता दादी का एकदम। एक मुरली में बता रही थी क्या दादी ने, एक दादी ने पूछा था, कौन से जानकी दादी ने पूछा था, तुझे गुस्सा नहीं आता है बाबा के इतने सब प्यार करते करते? तो निर्मल शांता दादी क्या बोली, बोली मुझे कुछ नहीं होता है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि हर अंतिम जन्म में मैं जन्म लूंगी बाबा के इसमें, मतलब ब्रह्मा बाबा में, ऐसा बोला था। तो बहुत अच्छा, मतलब मैं इतनी अंदर गुह्यता में गई ना, बाहर निकलने का मन ही ओके नहीं ब्रह्मा करता। बाबा में नहीं, दादा लेखराज के शरीर में ब्रह्मा बाबा, ये न्यू। हाँ 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 तो मुझे बाहर निकलने का यही नहीं होता था, इसके लिए मैं चुप रही थी। ओम शांति। ओके ओम शांति दीदी। दादी ने बोलिए। कहा हर बार कोई खुशी में, हर बार बच्ची तो मैं ही बनूंगी ना बाबा की। दादी उस बार का नशा था, बाबा की बच्ची तो हर बार हाँ मैं ही बनूंगी। हाँ जी वही ना। ओके किसी ने फोटो भी भेजने को बोला है ग्रुप में। शेरू भाई जी, आप तीव्रपुर शांत ग्रुप में उनका फोटो भी शेयर करें। जी, भेज देता हूँ जी। वो तो बुक तो भेज बहुत दी है, तो अच्छा भेज देता हूँ। ठीक है जी। जी। और ये नया कुछ तो चालू किया है ग्रुप में, तो इसके बारे में भी कोई भी शेयर करे कि ये कैसा, ये एक्टिविटी टाइप ही है और इसको लास्ट सैटरडे बोला से फेक रखा। दीजिए आप ही, दो किसी ने म्यूट किया था। ओके हैंड रेस करे फिर बोले। ओके मैं अभी संगीता, मुरली सुनाते सुनाते ओके आपने, हाँ संगीता हाँ बोलो। ये बुक अभी दादी की फोटो बोलो क्या। चलेगी बुक में, उसमें ग्रुप में? ओके दादी का फोटो शेयर हुआ है ग्रुप में। ओके कामिनी बहन आपको, हाँ कंटिन्यू करें फिर संगीता बहन। हाँ दीदी, आप अभी मुरली सुनाती थी ना, और मुरली सुनाते सुनाते योग में चली जाती थी ना, तो ये बहुत अच्छा है। आप पढ़ के आगे बोलती थी ना, योग में चले जाओ, बाबा के गोद में चले जाओ, बाबा हाथ फेरा रहे, दृष्टि लो। इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो बाहर, मतलब वो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, और फिर वो ये दादी का बताया तो और भी अंदर चले गए। ओम शांति, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति शांति दीदी जी, बहुत ही अच्छी अनुभव हुए। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे वतन में पहुंच गए और दादी के साथ, बाबा के साथ, आदि रत्नों के साथ हम भी वहां पे हैं परम धाम में। और बस वही फील हो रहा था कि वो कितना अभी सुहाना नजारा होगा वहां पे, सारे आदि रत्न, और कितने सूक्ष्म रूप में हम बच्चों को मदद कर रहे हैं, कैसे टचिंग देते हैं कि ये करो वो करो ऐसे प्रसाद करो, और कैसे हो जाता है कार्य कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है वो हमारे साथ ही है। तो कभी भी जब भी ब्रह्मा बाबा के फोटो पे जब भार होता है ना कोई सेंटर पे, तो हमें बहुत दुख होता है, हम बोल तो कुछ नहीं पाते
क्योंकि वो उनको वो है हमारे साथ ही है, इसलिए हार तो लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और बहुत ही अच्छा फील हुआ दीदी, थैंक यू, जिन्होंने भी ये सुझाव दिया है उनको शुक्रिया। और दीदी जी पूछना था ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप क्या है और कब ये इनके क्लासेस? अव्यक्त मुरली का ही ग्रुप का है जो ओके दीदी जी, इसी का ही पार्ट है। तो रोज होती है मीटिंग? जी मीटिंग नहीं होती है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना होता है तो इसमें डाल दिया जाता है, पीडीएफ या कुछ भी। क्योंकि हम भी उसमें कुछ स्टडी मटेरियल शेयर होता है दीदी जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, जो अव्यक्त मुरली का अच्छा। होमवर्क जाता है ना या कुछ अभी समझो सैटरडे को कोई आने वाला है तो वो, या कुछ बहुत ज्यादा नहीं कुछ शेयर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, हम अपना खुद का कर ही रहे हैं पुरुषार्थ, कोई नहीं। ओके ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी जी। तो देखो अव्यक्त मुरली के ग्रुप में ये मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए सेपरेटली अलग इसमें डाल दी। कोई जी ओके, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। इसको नेम्स किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे भी ऐड करो, तो आप आपका नंबर दीजिए, शेरू भाई जी वो ऐड कर देंगे। ओके दीदी परिवर्तन में ज्यादा रहती थी इसलिए दीदी दादी को पर दादी कहा जाता था, ये शेरू भाई जी ने शेयर किया है, पर दादी भी बोलते थे। ओके सिंपी सिस्टर बोलिए। शांति दीदी मेरे को आज की मुरली से एक प्रश्न था तो आज पूछ सकते हैं? हाँ लास्ट में, हाँ लास्ट में थोड़ा सा 5 मिनट। ओके चलेगा आपको बोलते हैं। ओके थैंक यू। ओके सरिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, एक अलग ही अनुभव हुआ और बहुत ही अच्छा योग भी बहुत अच्छा लगा दीदी। और मतलब ये जो भी अपना ये अपन ने नया स्टार्ट किया है ये कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत अच्छा, सबका ही सब आत्माओं में ही शक्ति भरेगी, उन्नति होगी। हाँ क्योंकि ना वतन में क्या करना है ना उसका थोड़ा आइडिया हाँ। मिलता है ये संदेश से, और डायरेक्ट दादी के मुख से बाबा ही बोलते हैं ना, तो ये डायरेक्ट योग के जैसे ही है तो हम ऐसे ही करेंगे। और ऐसे सूक्ष्म मतन में जाते हैं पर इतना ये सब एक्टिविटी का और ये सब जो नया ज्ञान मिला है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगा दीदी। एक आत्मा को अलग ही चैतन्यता आई, शक्ति आई आत्मा में ना। और वहां पे फील होता है तो वो चैतन्यता आती है, अगर आपको विजुअलाइजेशन और वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपका योग नहीं हो रहा है। हाँ दी बहुत अच्छा। हाँ ओम शांति जी। ओम शांति। ओके जयंत भाई जी बोलिए, आपने अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओके हेमा, हाँ हेमा बहन बोलिए। हाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि अभी तो मेरे ज्ञान में नई हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, लेकिन आज जो रियलाइजेशन विजुअलाइजेशन हुई वो बहुत बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू अव्यक्त मुरली क्लब का भी थैंक यू जी जी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी, जो बाबा के तरफ खींचा है वो जो कम हो रहा था तो वो आपकी वजह से वो बाबा की तरफ ज्यादा खिंचाव आ रहा है। और सवेरे 5 बजे बराबर कब चालू होता है ऐसा लगता है, उसके पहले ही हम 5 बजे के पहले ही रेडी रहते, और हो सके तो शाम को और सवेरे दोनों टाइम हम अटेंड करते हैं। शुक्रिया बाबा और आपका शुक्रिया। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के द्वारा देखो कितने जनों का पुरुषार्थ आगे जा रहा है ना, बहुत अच्छा। ओके ये बुक नहीं है, किसी ने मैसेज किया है क्या इस बुक का? ये अव्यक्त वाणी का सेट रहता है ना, हमको मधुबन से मिलता है 69 to 2016 तक का सेट है, तो उसी में संदेश आ रहे। ओके और ओम शांति।
दीदी पहले हमने अव्यक्त मूल्यां पढ़ी थी लेकिन संदेश ना छोड़ दिए थे, अभी आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे जैसे आप पढ़ रहे थे ना वैसे विजन बन रहा था कि ऐसे ऐसे हम भी जा रहे हैं वहीं पे बाबा के कमरे में पहुंच गए, शिक्षा वतन चले गए ना, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। तो जो बाबा का कमरा है ना कभी कभी आता है संदेश, बाबा जिस टेबल पे पेन लिखते थे या जिस कुर्सी पर बैठते थे या नीचे बैठते थे, वो कमरा पूरा ऊपर, बाबा का चश्मा, बाबा का रेड पेन या पेंसिल, बाबा पूरा कमरा भी ऊपर लेके जाते थे। तो हम ना ये पूरा हमारा लौकिक घर भी ऊपर लेके जा सकते हैं ना, ऐसे आइडियाज मिलता है, इसके वजह से संदेश को अनुभूति से पढ़ेंगे, है ना। तो सुबह हम क्या करेंगे, हमारा जो लौकिक घर है ना, तो पहले तो वो क्लीन होना चाहिए, नहीं तो फिर बाबा आते नहीं है, तो पूरा क्लीनिंग भी चाहिए। तो इसको, इस घर को भी हम वतन में लेकर जा सकते हैं और हम वतन में बैठकर योग करें, हमारे घर के सभी सदस्य भी है ऑलरेडी, तो उनको भी सकाश ऐसे नया नया आइडियाज भी कर सकते हैं जी। और ओम शांति दीदी, आप तो नए नए आइडिया बहुत अच्छे निकलती है और बहुत अच्छा लगता है, जैसा खाना वेराइटी होता है ना वैसे आप योग वेराइटी, इसमें बहुत अच्छा लगता है। और गुजार दादी की लेके गया ना वतन में, वो भी बहुत अच्छा लगा। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा, अभी 5 मिनट ही रह गए और मैं कुछ आइडिया नहीं दे रहे, बाबा ही दे रहे, तो किसी को भी सामने नहीं लाना है, हमेशा बाबा को ही थैंक्स बोलना है। ओके बहुत अच्छा। तो सिंपी सिस्टर ना, सिंपी सिस्टर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था मुरली के बारे में। जी दीदी, दीदी आज आया था मुरली में ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है, इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया, इसका पूछना था। ये अभी का इसमें ना, हाँ जी आज की जो साकार मुरली थी ना उसी में आया था बाबा ने वजन ड्रामा रखा में है। जी जी बाबा ने ठीक रखा, हाँ जी। वो लाइन पूरा पढ़ेंगे अगर आप पॉसिबल है। ओके ओके, तब तक कोई और भी शेयर करे। अगर देखो नेक्स्ट टाइम छोटा संदेश है तो एक संदेश कवर करने के बाद दूसरा संदेश भी रीड करेंगे, तो संदेश भी कवर अप हो जाएंगे, और जो संदेश कवर नहीं होते ये जो बहाना है वो भी खत्म हो जाएगा। ओके दीदी, इसमें लिखा था तो फिर मछरू सदृश मरेंगे, इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है, जिनका पाठ ही थोड़ा है, आइए एक दो जन्म लिए ये गए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। इसमें लाइन है, ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है, जिनका पाठ ही थोड़ा है, आए एक दो जन्म लिए और गए, अभी तुम तिवाटे पे खड़े हो, तो इसका समझ नहीं आया मेरे को। वजन यानी क्या है, बाबा ने किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया, सभी बाबा के बच्चे ना, जो सत्युग से आ रहे हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, और लास्ट दो जन्म भी हो रहे हैं ना, तो जी, वो जी, भी जी, बाबा के बच्चे, तो उनको जो देखो लास्ट दो जन्म में भी उनको पूरा सुख भी मिलेगा, लेकिन दो जन्म में चारों स्टेज होगी ना, सत्युग त्रेता द्वापर और कली, सतो है ना, सतो सतो और सतो फिर तमो है ना, रजो तमो, यानी चारों स्टेजेस आएगी उनकी, लेकिन बाबा बोले उनके लास्ट दो ही जन्म रहेंगे फिर भी, लेकिन पूरा आधा कल्प से भी ज्यादा वो ऊपर बाबा के साथ रहते, तो उनके मन में सिर्फ मुक्ति का रहता है, उनके मन में जीवन मुक्ति का कुछ नहीं रहता है ना। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हम सतयुग से आ रहे तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बाद में आ रहे तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो जब भी हम किसी को नॉलेज बताते तो वो एक्यूमुलेट नहीं करते क्योंकि वो सतयुग से नहीं आते, तो हम सतयुग से आ रहे तो हम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे नहीं। बाबा ने वजन दोनों तरफ ठीक रखा है, बाबा ने सभी को उसी जन्म में
दो जन्म में पूरा दिया है। बाबा किसी को कम नहीं रखते, दो जन्म में उसको पूरा देना है, पूरा देना है, जो भी सुख है, जो भी है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अगर हमारा इम्पोर्टेंट हमारा अगर देखेंगे ना, हमको बचपन से इतनी सारी चीजें नहीं मिली, बहुत रोने के बाद, ये तो मिलती भी नहीं थी, बहुत कम मिला है कुछ भी। और अब की जो भी आ रहे ना, उनको इजीली मिलता है। अगर हम भी नहीं देते ना, कोई और उसको गिफ्ट के रूप में देता है, क्योंकि उसके नसीब में बाबा को देना है, उसको कवर अप करना है लास्ट सभी बर्थ में। तो ऐसे भी उसका मनन चिंतन हो सकता है। हम देखते हैं कि जो चीजों के लिए हम भागते थे या कभी मिला नहीं, फॉर एग्जाम्पल दिया है, तो इसको और कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंपी सिस्टर, आपको सेटिस्फाई हुआ या कुछ और? शांति दीदी जी, ये ऑब्जर्वेशन है जनरल के, अभी अभी के जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो लगन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेन्युइनली और दिल से वो बाबा के बन जाते हैं, और प्रश्न उनमें कम होते हैं कि ऐसा क्यों, और क्योंकि उनकी आई थिंक क्यूरियोसिटी और ईगरनेस बहुत बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही दिल से वो बाबा के बन जाते हैं, और बहुत सहज तरीके से उनका पुरुषार्थ भी होता है। तो जी, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। तो ये लास्ट सो फास्ट जो देखो अभी हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, दीदी जी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फास्ट, तो लास्ट सो फास्ट है ना उनको। जी हाँ, परंतु लास्ट फास्ट है ना। जी 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 जी, कंप्लीट कर रहे हैं हम। लास्ट सो फास्ट है ना, उनको ही फर्स्ट में जाने के लिए बाबा जो लास्ट में ये मदद दे रहे हैं ना, अव्यक्त मुरली क्लब है, या ये बाबा का ही मदद है, ये संदेश पढ़ा के आपके पास उसको अनुभूति से लाना, या और जो भी यूट्यूब पे जा रहा है, तो ये शुरुआत में नहीं था ना। तो कल की भी देखो, साकार मुरली में गोपी का एक तड़पती थी अगर मुरली नहीं आती, और अभी के गोपिका को पूरा हैंड में ही मुरली मिल जाता है ना, तो इतना सारा बाबा ने, तो बाबा ने वजन ठीक रखा है ना इधर। जी दीदी जी, और आज एक साकार मुरली का एक पॉइंट आई थिंक मिस हो गया था, कि हम किसके हैं वो तो है, परंतु किस कुल के हैं हम, वो बहुत महत्व है। किसके हैं? बाबा के हैं, परंतु हम किस परिवार के हैं, हमारे कुल क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आज की साकार मुरली में था दीदी जी। जी, हम बाबा के ईश्वरीय कुल के हैं, लेकिन जो लास्ट में दो जन्म लेते हैं ना, वो तो सिर्फ उतना ही लेते, तो उतने में ही बाबा को उनको पूरा देना है, और पूरा सतयुग का जो भी सुख शांति है उसी को कलयुगी सृष्टि में बाबा को उनकी तरफ लेकर जाना है। तो ये भी बैलेंस बाबा रखते, किसी भी बच्चे पर कम प्यार और किस बच्चे पर ज्यादा प्यार नहीं, क्योंकि वो माँ है ना। जी दीदी जी, और परसों की मुरली में टाइटल मिला था देवी फूल, ये टाइटल कम आता है बच्चों को, हम देवी फूल बनने वाले हैं ना, देवी फूल है, तो वो रोज के टाइटल में भी वो जो परसों की साकार मुरली में था देवी फूल, और आज इसीलिए। जी जी, इसको हम उस टाइम में करेंगे। सिंपी बहन, आपको सेटिस्फाई हुआ क्या? जी जी, एक बार अनम्यूट कर। जी दीदी, दीदी थैंक यू, जी थैंक यू। ठीक है, फिर अभी हम ना आज तो कुछ होमवर्क नहीं रहता, एक मिनट साइलेंस में जाएंगे, और फिर से दादी निर्मल शांता जी का दृष्टि लेंगे, बाबा का भी दृष्टि लेंगे। शुरू भाई जी, अगर पॉसिबल है तो दादी का जिसे फोटो शेयर करें, पिक्चर, दादी से बहुत प्यार से दृष्टि लेंगे, और बाबा का भी दृष्टि लेंगे, और वतन में ही उनके गोदी में चिपक जाएंगे, बाबा के गोदी में। बाबा का कमरा इमर्ज हुआ है, और बाबा ने हमारे थकावट भुलाने के लिए बाबा ने हमको भी फरिश्ता बनाया,
चलो फिर अभी हम पूरे हल्के हो गए, कितनी थकावट 63 जन्म की पूरी हल्की हो गई अनुभव करेंगे और बाबा की गोदी में चिपक जाएंगे। चिपक जाओ सभी और वो प्यार वो शक्ति अनुभव करेंगे, कितना प्यार कितना शक्ति है, कितना अपनापन है बाबा की गोदी में। कितना मजा आ रहा है, अभी बाबा के नैनों से आता हुआ स्नेह अनुभव करते करते अभी पूरा थकावट सभी प्रश्न खत्म हो गए फील करेंगे। आज यही पर सो जाएंगे बाबा के साथ रूह रिहान करते करते। ओम शांति शांति।